आप देख रहे हैं दखल न्यूज। तजुर्बेकार कांग्रेस नेता कमलनाथ अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कमलनाथ 1979 में पहली बार छिंदवाड़ा से सांसद चुने गए और यहीं से उनकी सक्रिय राजनीति की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्म कानपुर में 18 नवंबर 1946 में महेंद्रनाथ और लीलानाथ के घर में हुआ। कमलनाथ ने दून स्कूल से स्कूली शिक्षा और सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से वाणिज्य विषय में स्नातक किया। इनके परिवार में पत्नी अलका नाथ और दो बेटे नकुलनाथ एवं बकुलनाथ हैं। कमलनाथ को कांग्रेस की दिग्गज नेता इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा कहती थी। कमलनाथ 1979 में प्रथम बार छिंदवाड़ा से सांसद निर्वाचित हुए। उसके बाद 2014 तक वे सीट से 9 बार लोकसभा पहुंचे। कमलनाथ 1991 से 1994 तक केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री बने। 1995 से 1996 केंद्रीय कपड़ा मंत्री। 2004 से 2008 तक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। 2009 से 2011 तक केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री। 2012 से 2014 तक शहरी विकास मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री रहे। नाथ ने 1968 में युवा कांग्रेस में प्रवेश किया। 1976 में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रभार मिला। 1970 से 81 अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रहे। 1989 में युवा कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक। 2000 से 2018 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे और वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमलनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट गाजियाबाद के अध्यक्ष। लाजपत राय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गाजियाबाद। इंस्टीट्यूट ऑफ एंडोलॉजी नई दिल्ली साहिबाबाद के अध्यक्ष रहे। कमलनाथ डॉक्टरेट से भी सम्मानित हैं। सन 2006 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1972 में बांग्लादेश की आज़ादी में योगदान के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने कमलनाथ को प्रशस्ति पत्र दिया। 1991 पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो भारत का कुशल प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। उन्होंने 1999 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में व्याख्यान दिया। कमलनाथ ने वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में 14 बार लगातार भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने कई देशों की यात्रा की और भारत की शताब्दी एवं व्यापार निवेश उद्योग नामक पुस्तक भी लिखी। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन मेरे जिंदगी का है और मैं सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पर विश्वास रखा, राहुल जी पर विश्वास रखा। बड़ी बेचैनी है मुझ में जी, क्योंकि हमने जो वचन दिए हैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं को, इसे हमें पूरा करना है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।